हेलो हाय नमस्कार वेदाश्विन को आपण समस्तन करछु वेलकम आपण समस्त जानछन्ती आज मॉर्निंग रो टाइम रे आसी गले आपण मानको पाखु टिके सुख दुख हवा किंतु सुख दुख हवा पई आज आउ जने अतिथि अछन्ती जहांक सहित आमे टिके वार्तालाप करिवा तांको बाबद रे टिके जानिबा आउ से आम कार्यक्रम को आज कोन पई आइजन से बाबद रे भी जानिबा तबे आम पाखरे जे अतिथि अछन्ती से जने भारी सुंदरी उपस्थापिका मिस प्रेरणा हाय प्रेरणा केमते अछो हेलो बहुत बढ़िया छै तम केमते अछो हां एते सुख दुख जीवन चल छै तेल लुणा संसार को कहबी ओके तम तेल लुणा संसार केम चल छै को भला चल छै भला चल छै घर खोरदा डाकना पूजा छोटा बेलु काहे केमती इच्छा हला मु टिके एंकरिंग करबी टिके आसी के टीवी आगर टिके कुहा बोला करबी काहे केमती इच्छा हला नै समथि किछि तमे केमते एते डाटा मो बिषय रे पाइलो डेफिनेटली मु जे कोनोसी गेस्ट आसंदे से माने को बाबा डाटा डा कलेक्शन कर रखि दे अच्छा एते सिंसियर आर्टिस्ट मंजरी इज वेरी लकी देन बाय द वे नै एमते नै इच्छा समथि गोटे किछि थिला बोली मु करी छि किछि प्लान समथि नथिला माने इच्छा कोन थिला चवल टीवी रे बारे भी सांग वांडी देखि कहबे अरे तू टीवी रे बार छु नै एमते नै भल डांसर ते होबा पई बहुत इच्छा थिला भल डांस रे माने को नाच ओडिसी कथक सब प्रकार मु करे क्लासिकल भी करे सेमी क्लासिकल करे नहीं तमे उठके ट्रैक बाहर को पड़े छे ट्रैक भीतर को पड़े छे क्लासिकल सेमी क्लासिकल कंटेम्पररी एवडा सब मु सिखि छी आ करूथिले भी किंतु करबा भितरे एमती गोटे माने समय आसला संजोग आसला कि एंकरिंग पई किछ ऑफर्स रहला सो एंकरिंग नोना टाइम रे करबा केते कष्टदायक थिला केते गाली पड़ीतिला कोन केमती हितिला नहीं गाड़ी पड़ नाला लकीली मुझे गोटे बहुत भल टीम पाई जो मान सहित मो करियर स्टार्ट करी आ कि निर्दिष्ट लोक मैंने जो मैंने कि मैंने कह हाथ धरिक मत काम करवा शिखे आरंभ करते एंड बहुत डिफिकल्ट ये ना कारण मुझे किसी किपी बिकज पापा फेस्टिवल एंकरिंग करती मामा ओडिसी डांसर किंतु सी भी एंकरिंग टिके टिके हाँ थिला तो जो जो लोक मैंने आरंभ करते बबे इसलाम को आरंभ करी अमय भाई हूँ जे के मंजरी अच्छा एंड दीपू भाई बोली जन थे लोपा पाई मैं सब मत मैंने इनिशियली जो कहते ना नियो पका सेमिका से मत आरंभ करते केमी एंकरिंग कराए कौन अश्विन डोंट बी आई थिंक टेन्थ पढ़ू हाँ बड़ पिला तो सेते बेले आरंभ होता कि एबे जते बेले मु फेसबुक रे मेमोरीज जो आसी जाऊँ यूट्यूब रे जो देखे बेले बेले मुझे भावुँ के कदर्ज कौली से लोक मैंने पता ना जो मैंने भी मो टीम मेम्बर थे केमी टॉलरेट करी मुझे इमैच्योर वे से करी मुझे भावुची से मैंने बहुत मोपा मैंने टॉलरेट कर बिकज ना मुझे ना केवे कर जो एंकरिंग रहिला पाठ पढ़ा रहिला छोटो बेलू केवल एम थिला ए दिगर जीवार ना स्टडी को नहीं कि भी किछा किछी इच्छा थिला नहीं पाठ पढ़ा मोर सब बेले ही सांगरे रही मुझे तो छुआ बेलू मुझे कहली ना डांसटा बहुत पिला बेलू मु करी तो से जो डांस सहित पाठ पढ़ाटा को मैनेज करियो मु बहुत अर्ली एज रे सीखी गली तो जितेबले मु एई फील्ड को भी आसली से किसी असुविधा हलानी कारण मुझा जाक वेल मैनेज कर पारी मु दिन जाक सुट कले भी जदि मु राति बारटा कि गोटे रे फेले भी मु सकाळ 7टा पर्यंत पाठ पढ़वार माने से दक्षताटा मो भितर रहूतला तो सेथिपई का केबे भी असुविधा हैनी पाठ पढ़ाटा भी सांगरे रही मु सेतेबले मु 10th पढ़ुथली तापर जतेबले मो रियलिटी शोज गुड़ाक मोर इनिशियल स्टेजटा आरंभ होइतला सेतेबले मु मो 12th कंप्लीट कली CBSE रे एंड देन मु मो बैचलर्सटा फैशन डिजाइनिंग रे कली एंड ता सहित जेहेतु मु कॉमर्स पास आउट सेथिपई का मु कंपनी सेक्रेटरीशिप CSटा करथली या भीतर मु एडवांस इन डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करी छ तो ए सब मो जर्नी चल ओके सो प्रेरणा मते गोटे कथा कह तमे वर्तमान लाइफ रो ग्रो रे वैरायटी ऑफ माने तमरो पाठ पढा स्टिल कंटिन्यू चल छ ना सॉरी रानी नहीं चल छी चल छी जीवन थिला पर्यंत पाठ पढिबे वेरी गुड बा बडे ए एंकर मानकर ए बा एते सुंदर सुंदर डायलॉग कहबे ओके तो एंकरिंग भी चल छी आउ ये भी चल छी एमती हठात किनि का इच्छा ला गोटे गीत कर फगुण रे फगुण मुदे सिंदूर मैंने कहीं मन डाकिला गोटे गीत हवा दरकार नहीं 2019 में मोर दुटा गीत रिलीज होता जहाँ भितर गोटे गीत बहुत ही अधिका सफल होता से तुमको देखनी किसी दिन वाला आउ गोटे हूँ तो बिना लगे ना भल कि दीटा थिला सेटा भी गोटे रिक्रिएशन थिला सोरीन जी गाई थिले तो दीटा गीत रिलीज 2000 नायक किए थिले आपण थिले मु थिले अच्छा तो दीटा गीत जते बेले रिलीज हे थिला सेते बेले सेमते किछ इच्छा नथला जे करिवार अछि सेमते किछ नै गोटे हो हे गला गोटे दीटा गीत घरे बहु कहितुए जे बहु कहितुए झियलो मोर जाटे गीत बत कर टीवी रे बार
ତମକୁ କହୁଥିଲେ ନା ତମକୁ କହି ମତେ କହିଲେ ନା ମତେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କିଛି କହିନା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି 2020ଟା ପୁରା ଲକଡାଉନରେ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲି ମୁଁ ପୁରା ବିକଜ୍ ମୁଁ ବହୁତ ୱର୍କ ଖୋଲି ମୁଁ ଖାଲିରେ ବସିପାରେନି ତ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ମୋର ଚାଲିଥାଏ ଖାଲିରେ ବସିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ହାଁ ଲକଡାଉନ ପ୍ରଥମ 3 ମାସ ଠିକ୍ ଥିଲା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କରିଛି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିବାର ଅଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ପ୍ଲାନିଂ 3 ମାସ ଭିତରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଛି ତମେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରୁନ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରି ବୋଲି ପକାଉଥିଲି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଘର ଖାଦ୍ୟ ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ମାମା ମାନେ ଖୁଡ଼ି ଏମାନେ ସବୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ ହେଲା ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ ପିଜ୍ଜା ହେଲା କି ୟୁନୋ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଖାଇପାରୁନଥିଲୁ ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପିଠାପିଠି ଯେମିତି ଘରେ ସବୁ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଗଢ଼ିବା ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ତ ସେ 3 ମାସଟା ମୋର ଭଲରେ ଭଲରେ ପଳେଇଲା କିଛି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ କରେ ତ ସେହିସବୁରେ କିଛି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା କିନ୍ତୁ 3 ମନ୍ଥସ୍ ପରେ ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ୟା ପରେ ବିକଜ୍ ବହୁତ ମୋତେ ଖାଲିରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଟାଇମ୍ଟା ପଳେଇଲା ଲକଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ କ'ଣ ପଚାରିଥିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଲକଡାଉନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ଲକଡାଉନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଭଲ ଥିଲା ବିକଜ୍ ଘରେ ରହିପାରୁନା ମାନେ ପାଠପଢ଼ା ହଉ ବା ସୁଟିଂ ହଉ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଯେବେଠୁ ଲକଡାଉନ୍ ଖୋଲିଛି ମୋତେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଆସିକି ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଲାଣି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଘରେ ରହିଛି ବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ମୋ ଘର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତ ଲକଡାଉନ୍ଟା ସେଇ ସମୟଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଘରେ ରହୁଥିଲୁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ବହୁତ ଲେସନ୍ସ ମିଳିଲା ଲାଇଫ୍ର କି ଜୀବନଟା ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ଆଉ ଘରୁ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଏତେ ବାହାରିପାରେ ସେଇଟା ଲକଡାଉନ୍ ଶିଖେଇଛି ଆମକୁ ଲକଡାଉନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ସବୁ ଘଟିଲା ତ କାହିଁକି ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଟିକେ ଫଗଣ ଫଗଣ ଉଡ଼େଇକି ସିନ୍ଦୁର ଫିନ୍ଦୁର ଗୀତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ନା ଘର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ନା ତମେ ସେଇଟା କଥା ଏମ୍ଫୋସିସ୍ କାହିଁ ଦେଉଛ ଓକେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟିର ଝିଅ ଓକେ ତ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଯେଉଁ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସିନ୍ଦୁର ଯେଉଁ ଗୀତଟି କଲ କାହିଁକି ସେମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମନ କାହିଁ କହିଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ହବା ଦରକାର ତମେ କୁହ ତମେ ଯେଉଁ ଏତେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଥେଇ ଥେଇ ହଉଥିଲ ତା ସହିତ ପରେ ପ୍ରେରଣାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ତମକୁ କେମିତି ଲାଗେ ନାଇଁ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ତମ ସହିତ ବି ଅଫକୋର୍ସ କାମ କରିକି ଭଲ ଲାଗିଲା ବଟ୍ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ହବା ଦରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଆର ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ହେଇନି ଯିଏ ଆର ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ୟୋତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ଜାପାନୀ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ସୁବ୍ରତ ଭାଇ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ଚାଲିଲାବେଳେ ଜ୍ୟୋତିର ମୋର ବହୁତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଥାଉ ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଦ ଲକଡାଉନ୍ ତ ଆମେ ଏମିତି କଥା ହେଲୁ କି ଗୋଟେ ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ଆଉ କିଛି ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରିବା ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକ୍ରିଏସନ୍ ପ୍ରସେସ୍ଟା ଗୋଟେ ଫଗୁଣ ଫଗୁଣ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଟାକି ସମସ୍ତେ କନେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ୱେଡ଼ିଂ ସିଜନ୍ ଚାଲିଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା ନାହିଁ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସୁନ୍ଦର ତ ଅଶ୍ୱିନ ବି ଥିଲେ ଆମ ଟିମ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ସଜେସନ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ତ କହିଲେ ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷଟା ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ଦରକାର ତ ସେହି ପ୍ରସେସ୍ରେ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆମକୁ ବହୁତ ମିଳିଛି ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ଜରିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର କ'ଣ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ପ୍ରେରଣାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ର କ୍ୟାରିୟର୍ର ଗ୍ରାଫ୍କୁ ସିଏ କେମିତି ନେବେ ଚାକିରି କରିବେ ନା ଚାକିରି କରିବାର ସେମିତି କିଛି ଯୋଜନା ନାହିଁ ନା ଘର କାମ କରିବେ ନା ଘରୋଇ ଟିଏ ହେବେ ନା କେଉଁ ଭଳିଆ କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଘର କାମ କରନ୍ତି ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଦିଏ ନା ଫିର୍ ବି ମାନେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ହେବାର ଯୋଜନା ଅଛି ନା ଚାକିରି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ କନସେପ୍ଟ ଏଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇଲ ତ ମୋତେ ମନେକର ଘରେ ରହିକି ଘର କାମ କରିକି ଘର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସୁଖରେ ରହିବା ଘର ସ୍ୱାମୀ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିକି ଯେଉଁମାନେ ଘର କାମ କରନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର କନସେପ୍ଟ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋମ୍ ମେକର୍ ସେମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ 4 ଗୁଣା ଅଧିକା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଘରେ ରହିକି ଅକେଜନ୍ସରେ ଡବଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଯାହା ବି ହଉ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁ ଲେଡି ମାନେ ସେମାନେ ବି ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୋ ଉପରେ କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉଟ୍ରେ ଯାଏନି ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ବହୁତ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ଡ ଆଉ ଅନ୍ସଡନ୍ ୱେରେ ମୁଁ ବିଲିଭ୍ କରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଯାଏ ମୋ ଲାଇଫ୍ଟା ଫ୍ଲୋରେ ଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋରେ ଯେତେବେଳେ ଯିବାର ଥିବ ସେଇ ଫ୍ଲୋରେ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ଲାଇଫ୍ଟାରେ ଯିବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ବେଳେବେଳେ ନିଜକୁ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ
ଆମକୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି ସୋ ଦେଟ୍ କି ମୁଁ ଏଇ ଦିଗରେ ଇଜି ହେଇପାରିବି ମୋତେ ଏଇଟା ସୁବିଧା ହବ ଇଜି ହେଇପାରିବି ପ୍ଲାନ୍ ଲାଇଫ୍ ତ ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ଟଲିବାଲାର ବି ପ୍ଲାନିଂ ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ କେବେ ବି ଅନ୍ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ ସେଟା ନାଇଁ କାହାର ପାଞ୍ଚ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ କିଏ କେମିତିକା ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବ ଆଉ ଆମ ପ୍ଲାନିଂଠୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡିରେକ୍ଟର ସିଏ ଆମକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଡିରେକ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ଆକ୍ଟରମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀଟା ଚାଲିବ ଆଣ୍ଡ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ କଥା କହିଲେ ହଁ ଇଜି ହେବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ କାମ ଯେତେବେଳେ କରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଯାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ହେଇଯାଏ ତ ଯେଉଁ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରେ ସେଇଟା କେମିତି ଇଜି ହେଇପାରିବ ଭାବେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା କେମିତି ଇଜି ହେବ ତୁମେ ଯେମିତି ଆଜି ଆଡ୍ କରୁଛ କାଲି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତାପରେ କ'ଣ 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 କରୁଛ ସେମିତି ହିଁ ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ନଥାଏ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ କରେ ସେଟାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ସୋ ପ୍ରେରଣା କେମିତି ତୁମର ଯେମିତିକି ଡେଲି ଲାଇଫର ଷ୍ଟାଇଲ କେମିତି ତୁମର ବିତେ ଡେଲି ଲାଇଫର ଷ୍ଟାଇଲ ମୋର ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସେମିତି କିଛି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟାଲ ନୁହଁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ନିଜ କାମଦାମ ସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ଅର୍ଲି ରାଇଜର୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ କେତେ 12 ବେଳକୁ ଉଠ ସେମିତି ନୁହେଁ ବିକଜ 12 ବେଳକୁ ଆମେ କୋବି ଆଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଉଠିକି କାମ କରିପାରିବୁନି ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଥିବ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଉଠିକି କାମଦାମ ସାରିଦିଏ ବିକଜ ମୋତେ କେଉଁଠି ଲେଟ୍ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ମୋତେ କିଏ କହିଲେ ଦୀପଦ ଭଲ ଲାଗେନି ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ଟା ମୁଁ ଦିଆଯାଏ ଡୋଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ମି ଅଶ୍ୱିନ ତ ମୁଁ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବାକି ହେଲା ମୋ ଜୀବନଶୈଳୀ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସକାଳୁ କାମଦାମ ସାରିଦିଏ ସୁଟିଂକୁ ପଳାଇ ଆସେ ସୁଟିଂରୁ ଯାଇକି ଘରେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସମୟ ଦେବାର ଥାଏ ସେଇଟା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଘରେ କିଛି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଛି ତ ସେଇଟା କେମିତି କେହି ନ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ହାଲି ହେଇକି ଆସିଛି ବୋଲି କଲାନି ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ହେବାର ଥିବ ସେଇଟା ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବାକି 100% ତ ପରଫେକ୍ଟ ତ କେହି ବି ନୁହନ୍ତି କିଏ କେମିତି ହେଇପାରିଲା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଛ ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ଇଚ୍ଛା କେବେ ନଥିଲା ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସବୁ ଝିଅ ବୋଲି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଆମେ ଟିକେ ହିରୋଇନ୍ ହବୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଅଭିନୟ ଶିଖିଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ଟା ହବୁ ତେଣୁ ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ମନ ଭିତରେ କେବେ ଥିଲା ନାଇଁ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଙ୍କରିଂ କରୁଥିଲି ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଫର୍ସ ଆସୁଥିଲା ଅଫର୍ ଯଦିଓ ଏବେ ଯାଏଁ ଆସୁଛି ବଟ୍ ସେତେବେଳର କମ୍ପାରେଟିଭଲି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲା ତ ସେତେବେଳେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଟ୍ ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଆଙ୍କରିଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କହିନୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ କରିପାରିଲିନି ତ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା ଏବେ ସେ ଇଚ୍ଛାଟା ଆଉ ନାହିଁ କି ହିରୋଇନ୍ ହେବାର ବିକଜ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଆଙ୍କରିଂରେ ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ଯେତିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ଜାଣିନି ହିରୋଇନ୍ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ପାଇଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତି କି ନାହିଁ ସୋ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବେଟର୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛି ଓକେ ସୋ ପ୍ରେରଣା ମୋତେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସବୁ ଯୋଜନା ଅଛି ଯେମିତିକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଗ୍ ହିଟ୍ ହେଲା ଫଗୁଣରେ ଫଗୁଣ ତାପରକୁ ନେକ୍ସଟ ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏବେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଫଗୁଣ ଫଗୁଣର ପୂର୍ବରୁ ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ହେଇପାରିନି ଟିକେ ହସିଦେଲୁ ତ ସେଇଟା ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ତା'ର ଅମିତ ନାୟକ ଥିଲେ ଡିରେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଓପି ପ୍ରତାପ ରାଉତ ଥିଲେ ତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟିମ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିଲା ଟିକେ ହସିଦେଲୁ ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ଯାଏଁ ରିଲିଜ୍ ହେଇନି ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଆଉ ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରିଲିଜ୍ ବି ହେବ ଆଣ୍ଡ ତା'ପରେ ଗୋଟେ ସୋଲୋ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ରହିଛି ତା'ର ଟାଇଟଲ୍ ମୁଁ ରିଭିଲ୍ କରିବିନି ବିଲକୁଲ ବି ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇଟା ପ୍ଲାନ୍ ହେଇକି ରହିଛି ଗୋଟେ ସୋଲୋ ମୋତେ ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆଉ କିଛି ଏମିତି ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ଲାନିଂରେ ଏମିତି ରହିଛି ବାକି ଯାହା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଦେଖି ମୁଁ ଏବେ କିଛି ରିଭିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଚାଲିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ଚାଲିଛି ତ ଛୋଟବେଳଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯେମିତିକି ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିକରି ଆସିଛ ତୁମ ଭିତରେ ଏମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ସେତେବେଳର ଲାଇଫ୍ ସେତେବେଳର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେତେବେଳର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଏବେକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ରୋଅପ୍ ହେଇଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଆଙ୍କର୍ସ ମାନେ ସବୁକିଛି ଗ୍ରୋଅପ୍ ହେଉଛି ଆଙ୍କର୍ସ ମାନେ ବି ଗ୍ରୋଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ର ଶୈଳୀ ବଦଳି ଯାଇଛି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ ଅ ଡେବ୍ୟୁ ଆଙ୍କର୍ ବା ଆମର ଯେଉଁ ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ସବୁ ଟିମ୍ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହିତ ସିନିୟର ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଙ୍କର୍କୁ ଯେମିତି ହାତ ଧରିକି ଶିଖେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେମିତି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ତ ଆଜିକାଲିକାର ସେ ଶୈଳୀଟା ବଦଳି ଯାଇଛି ତେଣୁ ଆଙ୍କର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସ୍କୋପ୍ ଦେବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କର ଶିଖିବାର ଶୈଳୀ ଆଉ ଟିକିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ହେବା ଦରକାର ତାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯେତିକି ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଆହୁରି ଡବଲ୍ ଗ୍ରୋ କରିବ ଆଉ ବାକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି ଓକେ ତ ଏମିତି କେବେ ହେଇନି ବେଳେ ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ଚିଡ଼ା ଲାଗିଛି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଛି ତୁମେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛ ମୋର ପେସେନ୍ସ ଲେବୁଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ସେମିତି କେବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଇନି ତୁମର ସେମିତି କେବେ ହେଇଛି କି
तमे तो बिल्कुल चिड़नी माने बहुत शांत वेरी कूल हां वेरी कूल गाय बिल्कुल भी अश्विन चिड़नती नी तमरे बे कोन प्रो पांका देले सोई पड़े मते गोटे बढ़िया सोफा दे छथि मुसे तमरे कोन एबे प्रोडक्शन प्रोग्रामिंग एंड डायरेक्टिंग टीम सब कोथिले जे अश्विन बहुत लेट करूचंती बहुत समय रेस्ट नउचंती तांका हिसाब रे शूटिंग हो ये गोटे कोन कथा अश्विन प्रेरणा मु तमको अनि गुडे एंकर्स मानक बाबत रे पचारीबी त से एंकर्स मानकर को गुणटा तुमको बहुत भल लगे को गुणटा तुमको बहुत कॉमिक लगे माने तांकर ए गुणटा तुम जितल चिंता कर तुम बहुत हस लगे अच्छा प्रथमे गुनगुन गुनगुनिंकर सबठ भल गुण होची तांका ग्रेसफुलनेस से बहुत ग्रेसफुल जतले स्क्रीन ऊपर को आसंती से जदी कोठी मु जाननी जदी भूलभाल भी कहि दउथिबे कोन मत लागे जे आमे धरि परिबोनी माने से एते ग्रेसफुल स्क्रीन ऊपर आउ कॉमिकल गुण से गुपचुप खाइबा को भल पांती आउ गुपचुप खाइला से पागल हो जानती समस्त डाक्टर के खास खाइ मजा लगे सेटा शिलग्ना शिलग्ना भी बहुत प्रोफेशनल सेटा तांकर सबठ मत भल लगे आउ हस वाला गुण मुझे किसी जाननी एत जब भी देखी बहुत कॉन्फिडेंशियल लगती तो मत जाननी के मानसी मिश्र जी के बेबे बाहले मानसी दिनकर सबठ भल गुण से जन भल होस्ट आउ कॉमिकल मुते मु चिन्ही जे तांको भल रे बट एते किछ पर्सनली एमते के हैंग आउट्स जाइनो जे मुडा कहि परबी पुपिंदर पुपी भाई पुपी भाईकर सब भल गुण जे सी जड़े सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत भल स्क्रीन उपरे सी बहुत बढ़िया रे प्रेजेंट करते समस्त को आउ तांकर जदि कॉमिक आम कह स्टेज उपरे कॉमिक टाइमिंग बहुत भल ओके अश्विन अश्विन सब भल गुण भाविबा को पड़िबो भल गुण गोटे कोडा हां बहुत कोडा गोटे भल गुण गोटे कहबी अश्विन बहुत भाविया को पड़िबो मते समय दरकार मते घंटा कर समय देले मु भाबी की गोटे कौन गोटे यदि कहि परबी कहि परबी कॉमिक गुण कहिते तले नहीं भल गुण कह दउ भल गुण हूँ अश्विन कर कि सी बहुत रिस्पॉन्सिबल निज जो कामटा को नहीं था जो अश्विन त्रिपाठी से बहुत भल प्रेजेंट करती आउ कॉमिक गुण हूँ खाइबा टाइमिंग टा जो जिते बड़े खाती गुड़ाए जिनस फुडी जहाँ भी ना फुड लवर तो से देखार अच्छे मैंने खाइबा बेले से क्या मुँह को चाहती मैंने से टाइप मु काम कला बेले भी काक मुझ को चाहेनि चलो ठीक है सो प्रेरणा मते जमती कि अदर सब एंकर्स मान बाबद कहल मत आए जिनस कह तुम्हें इंडस्ट्री में मुझे जीत जानी कि तुमको स्क्रिप्टिंग करने को भल लगे कनसेप्ट लिखा भल लगे तो ये चिंताधारा केवटूँ तो चिंता कला ना मुखालेखी करी मुझ कनसेप्ट आईडिया रखी एडम अनेस्टली कह जब तुम्हें कम करवा आरंभ कल मैंने अश्विन जब सब विभिन्न प्रोजेक्ट्स आरंभ कले से मत दे कि ट्राए कर जदि हो पार्टी देख जदि तुम लेखा कहार शैली भल मैंने लेखि पार्थ का ओ रियली तो से आरंभ है तुम्हें भाव मोर जो कम कर शैली जो तुम के कंटेन्ट दौ भल भल कम कर एड्स म्यूजिक वीडियोस मो कंटेंट उपरे तुमको कितने खुशी लगे टैलेंटेड नुआ नुआ पिला को सुजोग दिए भितर तुम जो नुआ पिला बहुत सुंदर भाव लेखालेखी कर अच्छा वेरी गुड कीप इट अप अच्छा आगे बढ़ भल कम कर तुम ये जी भी बस ले तुम्हें सेमती कह देखी एपिसोड गुड़ाए अच्छा तुम्हें मत कह जो तुम जो एत गुड़ाए एड करुच एत जो म्यूजिक भिड करुच तो मुझे बड़े मनरे इच्छा है जे टे यू नो निजर टे इम्प्रूवमेंट हवा दरकार कि मोर ये लाकुना रही जाटा मुझे बोधे कर पारे ना निज लाकुना बुझीपार नहीं खाली इम्प्रूवमेंट देखिए आज इंटरव्यू मुझे तुम इंटरव्यू नेबी तुमको पचार तुम्हें मत पचारे हो ठीक है जब पचार दे कह भी दूसरी मुझे टोटाली भाव किसी कर मते बहुत जिनस सिखियर अछि लाइफटा केमति जानो लाइफ रे मु पूरा 0.5 रे अछि भूलटा मु जाने जे मु जेते बेले जे कोनोसी काम करे प्रथम एगो देखाय हम शूटिंग सेट मनकर मंजरी को असली विश्व को देखेबी बोलो को देखेबी हमर आजन लोनली भाउज छन तांकु देखेबी देखलेटा केमति हिजि तो बट से माने देखि कोनो कहुतिबे केटा भूल हिजि सेटा ठीक हिजि ऑनेस्टली निजर लोक माने हि सबले कहुति अच्छा हम प्रत्येक लोक मानकु मु देखाय आ मोर जहा भी करछि जस्ट आरंभ जीवन में अनेक कौन लोक मैंने मार्केट में कौन अश्विन कर बहुत गर्व हो गला बड़ लोक हो गला गुड़ाए कम कर ओके तो प्रेरणा मु तम पाखु आछि तमे केतले तमे जेतले इंटरव्यू करियो तमे मते पचारिबो अच्छा मु अपेक्षा करिवे सेतबेले तमे मते क्वेश्चन पचारिबो तार उत्तर मु तमको देबी अच्छा तेनु आज हेतु मोर पाळी पडछि मु सेले कि तम आउ कोन वर्तमान योजना आगु को बाहाघर योजना केबे अछि बाहाघर योजना जेबे हबो न हेगी वायरल होछि बाहाघर पागर को हबो बोली कहा सहित कहा केतलो को सहित चर्चा चल जे मु
अच्छा मैं केते लोकों को सहित चर्चा चल छी माने स्वयंवर हो ना कोन मोर तेनु केबे दिबागर योजना केबे जेबे हो समस्त जानिबे से थारे कहिबे आरो वर्ष तार वर्ष योजना माने कोन मो कोन योजना बड अध्यक्ष सब अच्छा ताको बाही गेले बर्तन हां तमे तंग योजना आगर जानिथिलो मानसी मिश्र को योजना आगर जानिथिलो जान नथिलो ना सेमते मोर जानी परबो ने केबे हे जाथिबो ओ एमती गोटे कथा एमती गोटे कथा भोजी भात रे डाकिबो ना डाकिबो नि जीव निश्चय जीव तम भोजीडा मोर न बुझिले हबो केमती का केतो पुनी मते मैन पावर दरकार ना बुझी को मटन खाय को जीव प्रेरणा जेमति कि हमें समस्त को बाबत रे कथा हले अनेक गुडे एक्टर अछन्ति एक्ट्रेस अछन्ति फिल्म इंडस्ट्री रे तमरो एक्टिंग करियर रो शौक नथिला सतो किंतु पर्सनली तमकु किए तमरो एक्टर फेवरेट नहीं सेमती ओडिया रे समस्त ही फेवरेट कारण समस्त ही मोसत बहुत भलो तो सेमती जणका नाम कहि परबिनी ओडिया रे आउ मु सबटु बड़ कथा लेके ते फिल्म एडिक्ट नो मते फिल्म देखियो केते पसंद करेनी सिनेमा हॉल जदी मु बहुत हात गणती केबे जाईथिबि आउ जदी जाईथिबि 3 घंटा बसिबा मते बहुत कष्टकर बसि परेनी 3 घंटा तो जहा भी हो मते ते फिल्म देखियो केते भल लागेनी बट बॉलीवुड रे एमती बहुत एक्टर्स अछंती जो मनेठु किछि सिखिबा को मिले जेंती परेश रावल तंकर सब फिल्म्स रे तंकर जो डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अनुपम खेर तंकर सब डिफरेंट डिफरेंट शेड्स तो से माने जो फिल्म रे आसंती माने मु 2-3 दिन लगे दिए गोटे फिल्म देखियो किंतु मु देखे जे कोन से मानको फिल्म रे अछि अक्षय कुमार हुंतु तो ए मानको फिल्म मते देखिबा को ठीक भल लागे जोटा कि कंटेंट ओरिएंटेड थाए बेसिंग तमन उडिया रे कंटेंट ओरिएंटेड न थाए अरे मु कहली कि से माने मोर फेवरेट एठी त मु कहली मोर समस्त ही फेवरेट जिबा कोई पड़े हां प्रीमियर रे जिबा कोई पड़े स्क्रीनिंग रे जिबा कोई पड़े तो सेठी जाए लाइफ रो फर्स्ट इनकम केते टंगा हेतला से पैसा को नहीं कम करतला लाइफ रो फर्स्ट इनकम समथि तो कह परबे नहीं बट मु जतले छुआ बळे जो डांस करे ना सब खुशी रे 500 एक टंगा जणे देथिले आ सेटा मु आनीथिले सेटा कोन गल्ला मु जाननी मु पापा मम्मी को दे देथिले कि कोन हेतला बट 500 एक टंगा मिले थिला या लाइफ रो फर्स्ट टेलीविजन शो एज एन एंकर फर्स्ट टेलीविजन शो स्टार ऑफ ओडिसा दूरदर्शन रे कोटे शो एक्सपीरियंस केम थिला स्टार ऑफ ओडिसा रे भल लागुथला जो टीम जो माने टीम त छडा जो माने माने थिले जजेस एंड ऑल से मन सब मोर बहुत माने लुबुन भाई का थिले जो मन मु आगरो चेनी थिली तो सेति पई का किछि प्रॉब्लम हेलानी भल थिला एक्सपीरियंस ओके लाइफ रे फर्स्ट बाइसाइकल चलेबा एक्सपीरियंस से मने नाही जो ट्राई साइकिल जो छुआ मन छ सेटा फर्स्ट चली थी मोर मने अछि बहुत पड़ी छि भी पड़ छुआ मने पड़नते ही जोर जोर गला बळे कोडी एरुंडी रे बाजी की केमती कहने गळी पड़े बट ट्राई साइकिल एक्सपीरियंस भला थला एबे भी इच्छा बे बळे बळे बडा ट्राई साइकिल बाहरन त नि चलेगी बोलंती ओके तो लाइफ रे फर्स्ट स्कूल ले माडो खाइथिबा एक्सपीरियंस केबे स्कूल ले मु माडो खाइनी काई इत्ते इत्ते मोर मने अछि नै स्कूल ले माडो खाइनी मु बहुत हंबल बहुत पोलाइट तुम बुझे दिए सब कथा बहुत हसी हसी का खुशी खुशी बुझे दे काली सर प्रोग्राम थिला मास पालेनी हो ठीक अछि तो काली को कर दबो सार दबो एंती बट थारे मु असाइनमेंट कंप्लीट कर नथली बेंच रे सब पिला उठिया करथले मु भी ठिया हे पड़ली तापरे पुनी 5 मिनट रे बसे देले ओ कण सेमते हां बेसी माडा फाडा मु स्कूल बुल रे खाइनी ओके लाइफ रे फर्स्ट म्यूजिक वीडियो रे एक्सपीरियंस फर्स्ट म्यूजिक वीडियो एमते त मु भजन भी बहुत सारा करची ओटे निर्दिष्ट प्रोडक्शन हाउस पई किंतु म्यूजिक वीडियो जदि हमें तमकु देखिनी किछ दिन होला कथा भाबीबा गीतडा म्यूजिकली बहुत हिट थिला तो काम कला बेले भी गोटे कॉलेज लाइफ रो गोटे स्टोरी जडा अश्विन का सतम करिची तो तर एक्सपीरियंस बहुत भला थिला एंड कॉलेज लाइफ रे एक्सपीरियंस जोटा कि मु शूटिंग रे रही कि व्यस्त भितर मिस कर जाइथिलि से गीत रे मोर रिलाइव हेतला तो ए सब एक्सपीरियंस को छाडी देले लाइफ रे जदि कुहा जाय प्रत्येक मोमेंट रे अनेक प्रकार डिस्टर्बेंस थाए अनेक प्रकार खुशी थाए तो लाइफ रो एमिति गोटे मोमेंट तुम लाइफ रे से दिनटा तुम पे बेस्ट थिला माने द मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट मु सब जिनस रे खुशी खोजी दिए माने इवन अ कप ऑफ टी और अ कप ऑफ कॉफी भी मो पे गोटे हैप्पीनेस तो सेमती गोटे दिन जो दिन कि मु बहुत खुशी थी आई थिंक गेस जो दिन मु सीएस फाउंडेशन क्रैक करी बिकज ओडिशा रे टॉप 15 रे आसी थी से दिन सॉरी इंडिया रे टॉप 15 रे आसी थी से दिन बहुत खुशी थी ओके लाइफ रे एमती गोटे दिन जो कि तुम बहुत दुखी थी मन पड़नी केत मन कष्ट कांदी कि मन दुख हो जाइए सेमती मन पड़नी कि हाँ कि बड़े दुखी थी बो जदि एमती गोटे सिचुएशन जोटा कि मैंने बहुत कष्ट तेल इट मे बी मो ग्रैंडफादर डेड शो को आसल डिस्कशन कल कमी लगे कौन कह चाहिए मतलब बहुत बढ़िया लगला बिकज हेलो हाय नमस्कार गोटे बहुत ही डिफरेंट नेम
नाँटा शुणिले ही गोटे जन को यू नो वेलकम कला भाया ग्रीट कला भाया शुभुची एंड मंजरी टीवी जो इनिशिएटिव्स सब नौचे बहुत भल भल इनिशिएटिव मु बेले बेले चेकआउट करे कि कौन कौन शोज दौचे एंड ऑल बहुत भल टीम टे पाई बहुत स्ट्रांग टीम एंड आग को मंजरी टीवी को एंड हेलो हाय नमस्कार को आपन को अश्विन त्रिपाठी बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि बहुत भल भल काम करूँ आहरी आमको भी किसी किसी सुजोग मिलवा उचित चलो वेरी नाइस बहुत बहुत धन्यवाद। ओके तो प्रकृत में तुम मंजरी टीवी देखुच कि नहीं सर जना पड़ो मंजरी टेलीविजन में दौरान शो अबा सीरीयल तीन टा ना कह फटाफट गार्गी दी भाउज नमस्कार ओके पास दीप्ति दी माँ बोली गोटे प्रोग्राम दूसरी सका साढ़े पांच तो उठो ना देख के रिपीट गुड़ा देख देखी दिए जहाँ भी देखी दिए ओके थर्ड हेलो हाय नमस्कार ओके तीन टा सीरीयल ना कह सिंहद्वार पास बहु हमर एनआरआई बहु हमर एनआरआई आओ मोदे हे बोल दे तो देह काला ओहो मु भाबले मैले बहु कह देल ना पुनी कह जोई हमर एनआरआई काले कह दो ओके मोदे हे बोल दे तो देह काला चलो वेरी नाइस पास 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 ओके ताले या बदले कोन गोटे शो मिलिबो ना आ बदले तमको गिफ्ट मिलिबो से गिफ्ट आउ छ श्रद्धा स्नेह आ भल पाइबा मंजरी परिवार तरफ ओहो मु नै के घरु को थरे जे गोटे 407 मगेलो नि नै 407 8टा मगेई छु अच्छा अच्छा ओके तो वर्तमान तम पई मंजरी परिवार तरफ रु गोटे वेरी स्पेशल गिफ्ट अछि धन्यवाद सेटा आमे आपन को दबु किंतु ता पूर्वरु तमको हमर किछिटा क्वेश्चन आंसर को माइन्यूटली कहबार अच्छे आम ये आईदर ये सर नो कह सब एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें जोटार चाहिए एक्सप्लेनेशन दे पारे ओके ओके देन डन स्टार्ट करिबा शूटिंग सेट रे गोटे मोमेंट जो मोमेंट रे कि तुम्हें कांदी पकई यस यस रीजन कौन पाई शूटिंग जो नुआ नुआ करी किए जब कहीदा शुणी पार नी आखि छल छल करके समय चुपचाप रही पुणी सेट उपरको पड़ा सेट उपरको पड़ा ओके तो तमे निज लाइफ रे वेरी कूल और शॉर्ट टेंपर को टाइप रे पिला बहुत कूल शॉर्ट टेंपर तो बिल्कुल भी नहीं हूं बहुत कूल हां बहुत कूल ओके भविष्य रे चाकरी करिवार इच्छा अछि हां यस समस्तन कर रहता है गोड सिक्योर्ड लाइफ निहाती दरकार ओके लाइफ रे तमे आज पर्यंत जति काम करछ ता भितरे फुल ऑन सैटिस्फैक्शन पाइछ फुल ऑन मिलेनी जदि फुल ऑन मिलियो मो करियर एठे ठप हो जइबो तो आहुरी इच्छा अच्छे कि केबे सैटिस्फाई हेबी भाभी भाभी का आहुरी काम करिया पे जीवन रे तमे तमे मनर मनिस को पाई सरछो नो जो न बाहा भी सदन जानी बिचे पाइली बोली पाइलो एही नट कह देथि को पळेबो जदि भू एइसा ओके लाइफ रे तमे जो डांस करितलो से डांस को एबे भी इच्छा अच्छे कंटिन्यू करियो पे डांस सब थिला आ सब बळे रहबो सो यस ऑफ कोर्स कॉमन जिनस जोटा कि समस्त घर हुए से भात डाली आलू चकटा ए तीन टी जिनस रोसे कौन बाहा इंटरव्यू नौ ना कौन भात डाली आलू चकटार कौटू आसला प्रश्न भात डाली आलू चकटा मैंने मिनिमल जिन रोसे हाँ जान जेहेत मुझ जॉइंट फैमिली रहे कर सुजोग मिलनी कितु मुझे जानी देखी देखी कौन शिखी बाहर बोली कौन बरजात्री जाए ओके लास्ट प्रश्न जदि ए प्रश्न उत्तर दे देला देन ताहले तमकु आम मंजरी परिवार तरफ से गोटे वेरी स्पेशल गिफ्ट अछि से गिफ्ट हमें धन्यवाद आपन को दबु आज्ञा ओके लास्ट प्रश्न टी होउछि तमे अनेक गुडे जगह रे काम करछो किंतु ए सब काम भितरु तमकु पर्सनली जेमति कि अभिनय कल एंकरिंग कल डांस कल प्रत्येक जिनस करछो ए सब को छाड़ देले कोठी ना कोठी मन भितर इच्छा अछि गोटे सिनेमाटे करिवार हाय यस बट कमर्शियल करिवार इच्छा नै मोर केबे थिला आ कमर्शियल पई ओटीटी पई का इच्छा छ आ किछ सब्जेक्ट्स भी प्लान रह छ ओके चलो वेरी नाइस बहुत सुंदर सुंदर उत्तर देला प्रेरणा ओके तो गिफ्ट तो डेफिनेटली हमें तुमको दबो किंतु गिफ्ट डेफिनेटली दबो किंतु केबे दबो मु क्वेश्चन आंसर देली पर सो एंड हवा पूर्व रे हमें आपन को गिफ्ट दे दबो प्रेरणा जेमति कि हमें जानि छु आप तमे छोटो बले बहुत काम करी करी आछ इंडस्ट्री को अनेक गुडे निज आखिर देखि देखि आछ तो गोटे टाइम थिला जेमति कि तमरो गोटे डांस शो रे गोविंदा आस्तले तांको सते भी गोटे बहुत सुंदर एक्सपीरियंस थिला तो लाइफ रे प्रत्येक फेज रे वैरायटी ऑफ एक्टर और एक्ट्रेस को देखी छ तो ए सब क्षेत्र रे निजे निजो को केते दूर डेवलप करि पर छ सेटा एक्चुअली सामना लोक बेसी बेटर कहि परबे जो माने मते देखि आसी छथि एते वर्ष होला जे मु केते डेवलप हे छि जदि मो निजो पर्सपेक्टिव बा मो व्यू पॉइंट रे पचरा जाय ताले मु प्रत्येक दिन प्रत्येक मनुष्य ठु बा प्रत्येक वस्तु ठु किछि सिखबा को चेष्टा करे कि मुँ केमती डेवलप हो पारि बा
ता भितरे कौन अच्छी मो भितर कारण तुम्हें जब पचार ना मत कि मंजरी रे को को शोज दिए को को सीरीज दिए मुमती जान ली बिकज मुझ सब चेकआउट करे इवन कि जिते बॉलीवुड रे जिते इंटरव्यूज हुए जिते स्टार्स मानकर विभिन्न शोज हुए मुझ सब चेकआउट करे ताकि मुझे सीखी पारिबी तो से तुम जब ए पचार मंजरी रो शोज गुड़ा मुझे एकदम से कहीदेली तो मुझ सब अपडेटेड रहा बहुत भल पाए जे मुझे अपडेटेड रही पारि सब दिगक सब जिनस को लेकिन तो से जरिया मत लगे कि गोटे मनिषर डेवलपमेंट हो पार जो तार निजा निजर इच्छा शक्ति थी किसी करने गोटे भल एंकर हाँपुर कौन कौन सब क्वालिटी थी दरकार तुमको लगे कॉन्फिडेंट होता दरकार कल्चर करुवा दरकार कल्चर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब कल्चर न करवा किसी करें एंड वर्ड्स रो मास्टरी वर्ड्स उपर पकड़ थी दरकार ताकि लोक मैंने कथा बुझीपर एंड सेन्स अफ ह्यूमर प्रेजेन्स अफ माइंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रहा दरकार ओके थैंक यू वेरी मच बहुत सुंदर लगे तुम सहित कथ बर्तमान आम तरफ मंजरी परिवार तरफ गोटे स्पेशल गिफ्ट टाइमिंग आज्ञा तो वर्तमान मंजरी परिवार तरफ रु स्पेशल गिफ्ट टी आपण को पाई थैंक यू सो एट द एंड मंजरी टीवी देखुथुबा दर्शक बंधु मानंकु कोन कहयबो छै मंजरी रो सब दर्शक मानंकु या कहबा को चाहिबी जे मंजरी टीवी रो जो नुआ नुआ प्रचेष्टा आपण मानंक पई केवल एते परिश्रम करूचोंदी पूरा टीम टा केवल आपण मानंकु एंटरटेन करबा पई तेनु मंजरी टीवी देखंतु भल पाइबा दियंतु जदि केबे सुजोग मिले आपणक सतो मोर एठी पुणी भेटा भेटी हबो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा तुम आसल बहुत सुंदर कथबार्ता है बहुत सुंदर डिस्कशन कल से तुमको गोटे बढ़िया गिफ्ट भी देलु हम भाई मिछरे कौच बोले बट धन्यवाद कि सतर देल ओके सो व्यूअर्स आज एपिसोड डेफिनेटली आप समस्त को भल लगी आपंक सहित पुणी थे भेट हाँ नेक्स्ट एपिसोड से पर्यटन रही आप समस्त को हेलो हाय नमस्कार।